नमस्कार, वीके न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर मनपा चुनाव आगे बढ़ सकते हैं, ओबीसी आरक्षण के कारण आगे बढ़ने के आसार। एम्प्रेस मॉल में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, प्रेमिका की शादी तय होने से आहता प्रेमी, कर दी गला घोट कर प्रेमिका की हत्या। और कल्याण में राज्य का पहला ओमिक्रॉन ग्रस्त मरीज कोरोना मुक्त, जनता के लिए राहत भरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर मनपा के चुनाव फरवरी 2022 में होने चाहिए, लेकिन अब तक प्रभाग रचना के कच्चे प्रारूप को ही मंजूरी नहीं मिल पाई है। उस पर से स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगाए जाने की वजह से राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई है। कोई भी दल ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं कराना चाहता। ऐसे में चुनाव की स्थिति आगे बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। फरवरी मार्च में होने वाले चुनाव मई महीने में होंगे, हालांकि इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। वर्ष 2017 के चुनाव के लिए उस दौरान अक्टूबर 2016 तक महिला और पुरुष के लिए आरक्षित सीटों के ड्रॉ निकाले जा चुके थे। प्रभाग रचना तय हो गई थी, लेकिन इस वर्ष डेढ़ महीने लेट है। अगर चुनाव आयोग ने तत्परता नहीं दिखाई तो इसमें और विलम्ब होना तय है, जिसकी वजह से चुनाव भी लंबा खींच जाएगा। मार्च और अप्रैल में परीक्षाएं होती है, ऐसे में पदाधिकारियों का दावा है कि मई महीने में चुनाव होंगे। संबंधित मसले पर चुनाव से जुड़े अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि मनपा की तरफ से 3 दिसंबर को कच्चा प्रारूप चुनाव आयोग को भेज दिया गया है, अब वे ही उस पर आपत्ति व सुझाव मांगकर फाइनल प्रारूप प्रकाशित करेंगे। ड्रॉ से लेकर चुनाव तक के कार्यक्रम वे ही तय करेंगे, ऐसे में संबंधित मसले पर कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। प्रेमिका की शादी तय होने से आहत प्रेमी ने उसे मॉल में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। गुमशुदगी के मामले में पुलिस जांच के दौरान बुधवार को यह खुलासा हुआ। गणेशपेट पुलिस ने मॉल से मृतदेह बरामद कर लिया है। मोमिनपुरा निवासी मुजाहिद अंसारी और गिट्टी खदान निवासी फरजाना में प्रेम संबंध थे। हाल ही में फरजाना के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी, इससे मुजाहिद काफी आहत था। योजना के तहत उसने 2 दिसंबर को दोपहर करीब 1 बजे फरजाना को सदर में मिलने के लिए बुलाया। यहां से दोनों गणेशपेट के एम्प्रेस मॉल गए। मॉल की चौथी मंजिल के एक कमरे में ले जाकर मुजाहिद ने गला दबाकर फरजाना को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह वहां से चला गया। इस बीच फरजाना के घर न लौटने पर परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। इसकी जांच में जुटी पुलिस ने फरजाना के कॉल डिटेल्स खंगाले। इसमें आखिरी बार मुजाहिद से बात होने का पता चला। पुलिस ने मुजाहिद को कब्जे में ले लिया। उससे कड़ाई से पूछताछ में उसने यह सारा वाक्य बताया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एम्प्रेस मॉल की चौथी मंजिल से फरजाना की मृतदेह बरामद कर लिया है। महाराष्ट्र राज्य के लिए राहत भरी खबर है कि राज्य का पहला ओमिक्रॉन ग्रस्त मरीज ठीक होकर घर कोरोना मुक्त हो चुका है। महाराष्ट्र के कल्याण का यह मरीज बताया जा रहा है, जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर से 22 नवंबर को डोंबिवली पहुंचा था। 33 वर्षीय इस युवा मरीज को बुधवार को शाम को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसकी जानकारी कल्याण डोंबिवली मनपायुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंश ने दी है। जो राज्य में जो पहली ओमिक्रॉन की पॉजिटिव केस पाई गई थी डोंबिवली शहर में, तो वो कोविड हॉस्पिटल में एडमिट थे। आज उनका रिपोर्ट नेगेटिव आने से उनको डिस्चार्ज दिया गया है। उनकी जो प्रकृति उनकी जो है स्वास्थ्य उत्तम है, उनको 7 डेज का होम आइसोलेशन एडवाइज किया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अब
अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नागपुर में कब्जा धारक द्वारा किए गए भारी हंगामे के बीच मनपा के तोड़ू दस्ते ने बुधवार को अनाधिकृत निर्माण कार्य को तोड़ने की कार्रवाई पूरी की। धर्मपेट जोन अंतर्गत गृहलक्ष्मी गृह संस्था प्लॉट नंबर 39, 40, 41 पर मुकेश दिलीप चौधरी ने अनुमति के बिना अनाधिकृत तरीके से निर्माण कार्य किया था। बुधवार को कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारी द्वारा जमकर हंगामा मचाया गया, लेकिन गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक कल्याणकर व उपनिरीक्षक घुगे ने खुद यहां भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ मोर्चा संभाले हुए था, जिसके चलते दस्ते ने कार्रवाई पूरी की। इसके अलावा जिलाधिकारी कार्यालय परिसर से सड़क और एक ट्रक माल जब्त किया। वही हनुमान नगर जोन अंत टुकड़ोजी पुतला चौक से ताजबाद आयुर्वेदिक कॉलेज, कमला नेहरू विद्यालय, ईश्वर देशमुख राष्ट्रीय विद्यालय के रोड व फुटपाथ से अतिक्रमण हटाया गया है। नागपुर के विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने कहा है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उपयोग की वस्तुएं और साहित्य की बहुमूल्य विरासत को चिंचोली स्थित शांतिवन में संजोया गया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की वस्तुएं के इस संग्रहालय में विभिन्न उपक्रम चलाए जाएंगे, इसकी हर समस्या को शासन स्तर पर सुलझाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ज्ञात हो कि नागपुर के काटोल रोड स्थित शांतिवन चिंचोली में बाबा साहब के जीवन उपयोगी वस्तुओं का संग्रह स्थापित है, जिस पर रासायनिक प्रक्रिया कर उसे पुनर्जीवित करने का कार्य अधर में अटका हुआ है। जबकि आंबेडकर संग्रहालय के लिए खल रही धन की कमी के कारण यहां बाबा साहब के वस्तु संग्रह का निर्माण कब पूरा होगा, इस पर सवाल निर्माण हो गया था। विभागीय आयुक्त के दौरे के बाद उम्मीद की जा रही है कि चिंचोली स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वस्तु संग्रहालय का अधूरा कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगा, इसके लिए धन की कमी नहीं होगी। कृषि कानून अगर 10 महीने पहले वापस लिया होता तो 700 किसानों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। मृतक किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा केंद्र सरकार ने देना चाहिए, यह कहना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रवीण तोगाड़िया का, जो बुल्ढाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बोल रहे थे। तोगड़िया ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए 700 करोड़ की मदद देना कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि उस दौरान अन्य धार्मिक मुद्दों को भी प्रवीण तोगड़िया ने उजागर किया। मैंने कहा कृषि कानून वापस लेने का मैं स्वागत करता हूँ। मैं खुश हूँ कि कानून वापस हुए, पर मेरी खुशी अधूरी है, क्योंकि 10 महीने पहले यह कानून वापस लेते तो 700 किसानों के जान नहीं जाते, और जो मरे हैं वह किसी के पति, भाई या बेटा है, वह जिंदे जागते मनुष्य थे, उनको बचाया होता तो अच्छा होता। दूसरी बात मैंने कही, महाराष्ट्र के 1 लाख बेटों को मारने वाला क्रूर अब्दाली का चित्र जिस संसद में अफगानिस्तान में लगा है, वह अहमद शाह अब्दाली का गुणगान करने के लिए भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया दिया, मानी हमारे बेटों को मारने वालों का गुणगान किया। तो कम से कम मरने वाले 700 किसानों को 1-1 करोड़ देकर भारत के बेटे को भी सम्मान करो। हमारे बेटे को मारने वालों का सम्मान किया है न तो बुरा है, कम से कम हरेक किसान को 1-1 करोड़ देकर भारत के बेटे को सम्मान करो, यह मैंने कहा। जब तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझता नहीं तब तक सभी चुनाव स्थगित किए जाएं, ऐसी मांग महाराष्ट्र के वर्धा में वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा की गई है। राज्य में 2 चुनाव न लेकर फिलहाल शुरू 105 नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव कार्यक्रम को रद्द कर 1 ही चुनाव लिया जाए, ऐसी मांग भी वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा की गई है, जिसका निवेदन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया है। महाराष्ट्र मध्ये ज्या 105 नगर पंचायत आणि नगर परिषद निवडणूक आहे होत आहे, त्याच्यामध्ये आता सुप्रीम कोर्टाने जो आदेश दिला की हे आरक्षण रद्द करण्यात येत आहे, त्याच्यामुळे इथल्या निवडणुकाही रद्द होईल,
आणि बाकीच्या निवडणुका होईल. हा भेदभाव आहे. राज्य सरकार केंद्रावर ढकलत आहे, केंद्र राज्यावर ढकलत आहे, आणि त्याच्यामुळे काय होत आहे की सामान्य जे OBC आहे त्यांना त्याचा फटका बसत आहे. आणि त्याच्यामुळे मग आमचं म्हणणं असं पडत आहे की तुम्ही पूर्ण निवडणुका रद्द करा. या ज्या आरक्षित होत्या ते रद्द केल्या आणि बाकीचे घेऊन राहिले बा. त्याच्याऐवजी तुम्ही पूर्ण निवडणुका रद्द करा बा, हे प्रक्रियाच रद्द करा आणि नवीन निवडणुकीचा जाहीरनामा काढा आणि नवीन जागा हे डिक्लेअर करा. अशी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे आज मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आम्ही राज्यपाल साहेबांना केलेली आहे. आणि यावेळेस माझ्यासोबत आमचे विदर्भ विभागाचे पलटणकर साहेब आहे, ते काही बोलतील. सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी.